हेलो फ्रेंड, एजुकेशन जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक न्यू अपडेट वीडियो लेके आ रहा हूं, न्यू जानकारी लेके आ रहा हूं, जिस जानकारी का नाम है डाटा एंट्री ऑपरेटर का। आप लोगों को पद संख्या सभी को पता है कि 3883 पद है, कब से होगा आवेदन शुरू यह भी देखेंगे। और योग्यता आपको 10वीं और 12वीं पास, उसके बाद आपके साथ साथ कंप्यूटर का भी जानकारी आपके पास होना चाहिए, DCA DCA का 6 महीना या साल भर का कोर्स होना चाहिए DCA DCA का। काफ़ी बड़ी अपडेट के तौर पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ डाटा एंट्री ऑपरेटर का। बिहार में काफ़ी बड़ी ज़रूरत की है यह आप लोगों को पद की संख्या। सबसे पहले मैं आप लोगों को आज का अपडेट दिखाता हूँ। यह अपडेट आप देखें तो काफ़ी बड़ी अपडेट के तौर पे इस अपडेट को आप देख रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें, मैं आप लोगों के जूम करके दिखा रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो आपको आपको प्रभात खबर पेपर के न्यूज माध्यम से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है, मंत्री ने कहा कि अंचलों में डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं अन्य तकनीकी कर्मियों का आवश्यकता को देखते हुए कुल 3883 पदों की स्वीकृति दी गई है, जिसे तत्काल बेल्ट्रॉन आउटसोर्सिंग से लिया जाएगा। जो बेल्ट्रॉन होता है उससे लिया जाएगा। इसमें सिस्टम एनालिस्ट का एक पद, प्रोग्रामर का 5 पद, डाटा एंट्री ऑपरेटर के ग्रेड सी के 139 पद, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के 3738 पद शामिल है। मंत्री ने कहा कि राजस्व कार्यों में तेजी लाने के लिए प्रमंडल स्तर पर लगातार गहन समीक्षा की जा रही है। अभी तक गया, सारण एवं मुजफ्फरपुर प्रमंडल स्तरीय समीक्षा की गई है। शेष प्रमंडलों में सिद्ध समीक्षा कार्य जारी रहेगा। ये आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट के तौर पे आप जैसे कि देखेंगे तो यहाँ आज प्रभात खबर न्यूज के माध्यम से 14 मार्च 2021 का न्यू अपडेट है। मैं आप लोगों के लिए हमेशा न्यू अवसर, न्यू जानकारी, न्यू वैकेंसी, न्यू अपडेट लेके आता हूँ, तो आप जरूर बने रहे मेरे वीडियो में और देखते रहे, शेयर करते रहे। मैं हमेशा अपडेट आप लोगों को लेके आता रहूँगा। और बिहार बेल्ट्रॉन में से जो भी स्टूडेंट पास किया हुआ है उसी में से डाटा एंट्री ऑपरेटर का बहाली प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। तो फिलहाल अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।